डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है। कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? dy बाई डी एक्स होगा 2x माइनस 2। ओके, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 1, एक्स का 1, तो x माइनस 2x माइनस 2। अब है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ना हियर क्वेश्चन नंबर ए, the tangent is parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0, whose slope is kya hoga na माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बाई वाई का कोएफिशिएंट यानी प्लस 2। तो ये फॉर्मूला क्या है? सिंस वी नो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बाय वाई का कोएफिशिएंट। ओके, तो इसलिए माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 2 बाय वाई का कोएफिशिएंट माइनस 1, 2 होगा। तो देयरफॉर द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड पैरेलल है इस लाइन का, जिसका कि स्लोप ये है। तो पैरेलल होने से क्या होगा ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी तब उतना ही होगा, ऑफ द टेंजेंट विल बी 2। तो दिस इंप्लाइज ये स्लोप 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2 इक्वल टू होगा 2, यानी 2x इज 4, तो x इज इक्वल टू होगा 2। ओके, तो x अगर 2 होगा तो y क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 यानी 4 माइनस 4 कैंसिल यानी इक्वल टू 7। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ये पॉइंट से होगा एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका होगा 2, y कोऑर्डिनेट होगा 7, इज हो जाएगा y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस y माइनस y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप तो 2 होगा, x माइनस x कोऑर्डिनेट 2, यानी हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 4, दैट इज y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 यानी माइनस 3 इज 0, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बी को बनाते हैं। बी में क्या है ना, सिंस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर to the line 5y minus 15x is equal to 13. 5y minus 15x is equal to 13. This means 5y minus 15x minus 13 is equal to 0. Having slope क्या होगा ना, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बाय वाई का कोएफिशिएंट,
तो माइनस 15 बाय 5 दैट इज 3। देयरफॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज हो जाएगा माइनस 1/3 सिंस द स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, ऑफ द लाइन इज 3। देयरफॉर द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज होगा माइनस 1/3, क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइन अगर है तो इसका स्लोप m, तो इसका स्लोप होगा माइनस m। ये फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू लाइन्स, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर इज माइनस 1। तो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है, इसलिए ये हमारा होगा माइनस 1/3। तो हम जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप dy/dx, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू होगा माइनस 1/3। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 इज माइनस 1/3, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 5/3, और 2 से डिवाइड यानी 5/6। एक्स कोऑर्डिनेट 5/6, तो दिस इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 यानी हो जाएगा 5/6 होल स्क्वायर माइनस 2 × 5/6 प्लस 7 यानी हो जाएगा 36। ये 25 माइनस ये हो जाएगा हमारा 10 60 60 प्लस 36 252। This equal to 277 minus 60/36 यानी हो जाएगा 217/36। Therefore, the required tangent एट पॉइंट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो 5/6, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 217/36 इज, जिसका स्लोप तो हम निकाल चुके हैं, स्लोप है माइनस 1/3, तो वाई माइनस 217/36 इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट 5/6। ओके, तो हो जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई 3y माइनस 217/12 और यहाँ माइनस एक्स प्लस 5/6। अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 = 36y माइनस 217 माइनस 12x प्लस 10। दिस इंप्लाइज 12x प्लस 36y इज इक्वल टू 227। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी हम लोग देखेंगे dy/dx टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट हमारा इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होगा ना, माइनस x का कोएफिशिएंट बाय y का कोएफिशिएंट 2/ माइनस 1 का माइनस वैल्यू यानी 2 हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या है ना, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 15 / y का कोएफिशिएंट यानी 3 हो रहा है। तो
टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन है, थ्री का परपेंडिकुलर है तो माइनस वन बाई थ्री, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन बाई थ्री, यहाँ से x निकल गया। x निकलने के बाद कर्व का इक्वेशन में बैठा के y निकालेंगे, तो ये पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे हैविंग स्लोप माइनस वन बाई थ्री, इज इट, और इसको सॉल्व करके हम लोग ये आंसर लिख देंगे। ओके, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15। वेयर x इज 2 एंड x इज माइनस 2 आर पैरेलल, यानी x इजकल टू 2 और x इजकल टू माइनस 2, ये दो पॉइंट पर dy वाई बाई डी एक्स का वैल्यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल होगा, तो यानी टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। तो यहाँ पर हमारा क्या है ना, द इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है, y इज इक्वल टू 7x³ + 11, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज क्या होगा ना, 7 × 3x² दैट इज 21x². तो 8x इज इक्वल टू 2 क्या है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 21 × 2² यानी 21 × 4 यानी 84। एट x इजकल टू माइनस 2 क्या होगा ना, वहाँ भी dy वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 21x² यानी 21 × 4 दैट इज 84। तो सिंस dy वाई बाई डी एक्स दैट इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर सेम फॉर द पॉइंट हैविंग एक्स इज 2 एंड एक्स इज माइनस 2 एंड हेंस द टेंजेंट्स विल बी पैरेलल। स्लोप सेम होगा इसलिए पैरेलल होगा, ये प्रूव करना था। ओके